उनके गुलाम हो। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम अपना काला चेहरा दुनिया से छुपाने में कामयाब हो सकते हो, लेकिन हमसे नहीं। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो 24 घंटों में होटल हॉलिडे रिसोर्ट में पहुंच जाओ। तुमसे एक पुराना हिसाब चुकाना है। हमारे पास तुम्हारे किए जुर्म के सारे सबूत मौजूद हैं। ताश का यह आधा गुलाम तुम्हें हम तक पहुंचा देगा। कौन हो सकता है जो खड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है? कौन हो सकता है? While I was young, my father said, "Son, I have something to say." And what he told me, I'll never forget until my dying day. To Mr. Dilip Jadeja, mere liye khat. हमारे हुकुम के गुलाम हो। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। जो भी। इंटरेस्टिंग। तुम हमारे हुकुम के गुलाम हो। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। नाम बदलने से चेहरा नहीं बदलता। अभी भी तुम्हारे दामन पर बहुत से बेगुनाहों का खून बाकी है। तुम अपना काला चेहरा दुनिया से छुपाने में कामयाब हो सकते हो, हमसे नहीं। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो 24 घंटों में होटल हॉलिडे रिसोर्ट पहुंच जाओ। तुमसे पुराना हिसाब चुकाना है। हमारे पास तुम्हारे किए जुर्म के सारे सबूत मौजूद हैं। ताश का ये आधा आधा गुलाम तुम्हें हम तक पहुंचा देगा। आखिरकार वही हुआ ना जिसका डर था। तुम्हारे जुर्म के सारे सबूत हैं। ताश का ये आधा गुलाम तुम्हें हम तक पहुंचा देगा। किसने लिखा होगा ये खत? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जो मेरे बारे में सबको जानता है? ये स्लीपिंग टैबलेट्स को भी आज ही खत्म हो रहा था। My name is Dilip Jadeja. I need a room. Your room is already booked, sir.
चुका है? वैसे जीवन दिलीप ये यहां क्या कर रहा है? कहीं इसने तो इसी ने तो वो खत। जीवन, अरे मेरे दोस्त, तू यहाँ? हाँ दिलीप। कैसा है यार तू? बस बस क्लास। तो बिल्कुल बदला नहीं? हाँ, तू भी तो नहीं बदला। हाँ, अच्छा एक बात बता, हाँ। वो दारू उसी तरह से पीते हो और टन होके मदहोश होना? यार जिंदगी में सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आज भी जब तक शराब के साथ दो गोली नहीं खाऊं नींद नहीं आती। क्या कोइंसिडेंस है यार, मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि शहर से 150 किलोमीटर दूर इस वीराने में हम इस तरह मिलेंगे। अरे यार, दिल से दिल को राह होती है, ये तो किस्मत की बात है कि 5 सालों के बाद हम इस तरह से मिल रहे। अच्छा देख, तू चेक इन कर ले, मैं 1 घंटे के बाद तुमको मिलता हूँ पूल साइड पे। ओके, माइकीज़ प्लीज। थैंक यू। जूही खुराना, कहिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके? इतने खूबसूरत मौसम में आप ये क्या लिखा पढ़ी कर रही हैं मैडम? आई बेग योर पार्डन, मैं एक राइटर हूँ और यहाँ बैठकर अपनी कहानियाँ लिखती हूँ। ओह नो वंडर, यू आर जूही खुराना, वो फेमस क्राइम राइटर, राइट? यू आर राइट, मेरा ये फेवरेट हॉलिडे रिजॉर्ट है, मैं यहीं पर आकर अपनी कहानी अक्सर लिखती हूँ। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ये कम्बख्त क्लाइमैक्स अटक गया है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा ये तो बताइए कि कहानी क्या है? क्राइम, बदला, वही खून खराबा। होता है कभी कभी रिपीटेटिव होने की वजह से। राकेश यहाँ क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी मैम, कैच अप विद यू लेटर, ओके? प्लीज कीप अप योर गुड वर्क, बाय। बाय। अबे मैम, आफ्टर लॉन्ग टाइम यार, तू दुबला कैसे हो गया? यार ये बता तेरे बालों को क्या हुआ? सब चले गए। यार यहाँ कैसे? ये बात मैं तेरे से पूछूं तो? मैं बस यूं ही, रूम नंबर क्या है? मैं हूँ 203 में। ओ अच्छा, काल में कुछ काला लगता है। ए, क्या सोचने लगा तू? नहीं यार, मैं 204 में हूँ। क्या बात है, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। क्या बात है मैडम, क्या बात है आप? आप लेखक कम और किसी फिल्म की हीरोइन ज्यादा लग रही है। ब्यूटीफुल ब्रेसलेट, वाओ। मैडम देखिए, मैं भी अच्छी फिल्में बनाता हूँ, आप मेरी फिल्मों में एक्टिंग करेंगी?
एक्सक्यूज मी। एक बात बताइए मैम, लोग जुर्म की किताबें पढ़ना इतना पसंद क्यों करते हैं? अरे छोड़ो यार, कहाँ बोरिंग टॉपिक लेके बैठे हो, जुर्म सजा वगैरह छोड़ो। इसीलिए लोग ये पढ़ना पसंद करते हैं कि इंसान जुर्म क्यों करता है। सभी लोग ये सब कुछ जानते हैं कि मुजरिम को सजा जरूर मिलती है, वो फांसी के फंदे तक तो पहुंचता ही, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खुद जाकर कुल्हाड़ी मारते हैं। सबको ये पता होता है कि मुजरिम चाहे पाताल में क्यों ना चला जाए, उसे सजा तो मिलती ही है। मैडम कहाँ ये डिप्रेसिंग टॉपिक्स लेके आप बैठी हैं, हाँ? आप इतनी हसीन और ऐसी बातें। नहीं नहीं, let's forget it and may I have the pleasure of a nice dance with you, madam? Please. All right. Thank you. Thank you. Sorry. Yeah, yeah, sir. Thank you. दिलीप, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। समझता है अपने आप को, एक औरत क्या देख ली बंदा की तरह उछला लगा। लगता है कि तू भूल गया कि मैंने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। याद दिलाना पड़ेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दिलीप, नहीं छोड़ूंगा। जीवन अपने आप को बहुत अकलमंद समझता है, जहां लड़की देखी वहां फिसलने लगा। मेरे साथ दुश्मन उसको बहुत महंगी पड़ने वाली है, खत्म कर दूंगा उसे। वेलकम। एक गुलाम का काम होता है अपने मालिक का हुक्म मान। ये किसने लिखा? ओह माय गॉड, अब दिलीप का जीवन ये जीवन लेगा, ये जीवन। एक गेम और बजाना पड़ेगा दिलीप। बज गए, अभी तक उठा कैसे नहीं? लगता है कल रात को दो पैक ज्यादा चढ़ा लिए। ओए जीवन, उठो, उठ वरना अंदर घुसेंगे हम लोग। ए जीवन, अरे लो, डू नॉट डिस्टर्ब का। ए जीवन, खोल दरवाजा वरना दरवाजा तोड़ देंगे। जागो मोहन प्यारे। जीवन, ये क्या, दरवाजा तो खुला हुआ है। दरवाजा खुला रख के ना आ रहा होगा। आ जा, आ जा। यार क्या है जीवन? जनाब सो रहे हैं। वाह, ओए उठे। अरे उठ जीवन, उठे जीवन। I can't believe this. He's dead. He's dead. Thank you.
पर इसने खुदकुशी क्यों की? तो ये कैसे कह सकते हो कि इसने खुदकुशी की? देखो ना, ये स्लीपिंग पिल्स की खुली बोतल, ये शराब की आधी बोतल, इसे साफ जाहिर होता है इसने डर के मारे ज्यादा गोलियां खा ली। इसकी डेड बॉडी का क्या करें? मैनेजर को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। हेलो रिसेप्शन, मैं रूम नंबर 302 से बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक टू द मैनेजर प्लीज। यस, मे आई कम इन? माय नेम इज चौधरी, रिटायर्ड जस्टिस चौधरी। इतने सालों बाद यहाँ? आई डोंट बिलीव दिस। ये होटल मेरा है और मैं यहाँ का सब कुछ हूँ। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि कानून और मुजरिमों का चोली दामन का रिश्ता होता है। तुम्हारे केस के बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। तुम लोग तो अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। मुझे आज तक सब कुछ याद है। हाँ, तुम लोग अपने आप को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहते थे, तुम्हारा चौथा किनारा किधर है? Is no more. Overdose. वाह, कितना आसान है। पहले किसी की कमजोरी जानो, फिर उस कमजोरी का फायदा उठाओ। ये मोर से नो मोर किया भी तो जा सकता है ना? मतलब? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अब तक अपना पुराना पेशा नहीं भूला हूं। तुम लोग छटे हुए बदमाश हो। वाल्मीकि बनने की कोशिश मत करो। दिलीप, अगर ये खुदकुशी नहीं है तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। वाह, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। एक गुंडे की मौत के लिए पुलिस बुलवाकर मैं अपने होटल की बेइज्जती कराऊंगा? एक मामूली गुंडे की मौत हुई है जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, उसके लिए इतना इमोशनल बनने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस लाश का हम करें क्या? मैंने पहले भी तुम्हारी एक बार मदद की थी, जिसका हिसाब किताब अभी तक बाकी है। तुम लोग मेरे हुक्म के गुलाम हो। लाश का ये आधा गुलाम तुम्हें हम तक पहुंचा देगा। हमारे पास तुम्हारे किए सारे जुर्म के सबूत मौजूद हैं। तुमसे एक पुराना हिसाब चुकाना है। इस बार भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और सब कुछ सूद के साथ वसूल करूंगा। इस लाश को इस होटल के पीछे कहीं भी दफना सकते हो। से गुजर रही थी और मैंने यहां से एक आदमी को भागते हुए देखा। डू यू थिंक दिस कैन हेल्प यू? अब बात समझ में आ रही है। शायद इस चौधरी ने हमें यहां बुलाया और शायद जीवन को भी। जब कोई बात समझ में ना आए तो उसे हालात पर छोड़ देना चाहिए।
यार जीवन, जानबूझकर इतनी ज्यादा गोलियां क्यों खाने लगा? स्लीपिंग पिल्स की बोतल कहाँ है? ये लो। तुम लोगों में बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। ये बोतल अभी नई है और इसमें गोलियां भरी हुई हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी की जान सिर्फ दो तीन गोलियां ले सकती। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने जीवन की जान ली हो, उसका मर्डर किया हो, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जान ले ली। मुझे तो लगता है तुम लोगों के बहुत सारे दुश्मन। लेकिन जीवन को कौन मार सकता? अब ये तो तुम ही लोग बता सकते हो कि उसे कौन मार सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज तक हमने जो गैर कानूनी धंधे किए हैं, वो जंजीरों की तरह हमारी जिंदगी को जकड़े हुए हैं। नाम और पेशा बदलने से इंसान भले ही अपनी पुरानी जिंदगी से भाग सकता है, पर अपने कदमों के निशान नहीं मिटा सकता। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक अपने ही हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा डालकर हम पुलिस की फाइल्स में एक केस नंबर बनकर रह जाए? मैं तुम्हारा फिजूल की बात। तुम्हें क्या लगता है तुम कानून की जकड़ से बच पाओगे? हमने जुर्म किया है तो उसकी सजा हमें जरूर मिलनी चाहिए। किसको नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो दिलीप, एक बात कान खोलकर सुन लो। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि फिर से अदालत में खड़े होकर एक बाले जुर्म करूं। तुम समझते क्या हो हमें मुजरिम किसने बनाया? समझते हो तुम? भूख ने। इस भूख को सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। अपनी गलतियों का सहरा किसी और पर मत बांधो। मैं भागते भागते थक गया। जीवन ठीक कहता था, डर की जिंदगी से कई ज्यादा बेहतर होती है सलाखों के पीछे की जिंदगी। हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम सब लोग पागल हो गए हो। अगर इस तरह कमजोर पड़ गए ना तो समझो कि मर गए। दिलीप, चोरों के भी अपने कुछ उसूल होते हैं जो तोड़े नहीं जाते। हम लोग साथ जिए और साथ ही मरेंगे। हाँ, ये जीवन की मौत एक हादसा समझो। कभी कभी ये बोला हुआ सच फांसी का फंदा भी बन जाता है, और जीने के लिए झूठ का सहारा लेना बहुत जरूरी है। गिदड़ के 100 सालों से ज्यादा बेहतर होती है शेर की एक दिन की जिंदगी। आई डोंट एग्री विथ यू। खुद ही मरेगा और हमें ही मरवाएगा। जाने दो सर, जाने दो। वो नहीं जानता सच कितना कड़वा होता है। पहाड़ के नीचे आएगा, खुद बिलबिलाना छोड़ देगा। क्या बात है दिलीप साहब, आप यहाँ बिल्कुल अकेले खड़े हैं और परेशान भी लग रहे हैं, कहिए ना क्या बात है? जी जी, एक मसले में मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। तो फिर देरी किस बात की है, और वैसे भी मसला काफी पेचीदा लग रहा है। शहर में मेरा एक दोस्त है, वो किसी जमाने में एक आदि मुजरिम था, हार्डेंड क्रिमिनल यू नो। वो कई मर्डर्स भी कर चुका है, लेकिन किसी भी तरह से वो कानून के शिकंजे में से बच निकल जाता था। आज की तारीख में वो एक साफ सुथरी जिंदगी गुजार रहा है, अपना नाम बदल के। लेकिन कभी सवार उसका अतीत, उसका घिनौना पास्ट उसके पैरों की जंजीर बन जाता है। वो आजाद होने के बावजूद अपने आप को कैद में महसूस करता है।
उसे क्या करना चाहिए? एक राइटर होने के नाते मेरे किरदारों के साथ भी अक्सर ये होता रहता है, लेकिन वो किरदार अपने हर गुनाह का प्रायश्चित जरूर करते हैं। देखिए दिलीप साहब, गुनाह चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी और को तकलीफ में डालने का हमें कोई हक नहीं। और हाँ, जब कोई किसी का खून करता है तब उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि कत्ल तो एक ही आदमी का होता है, लेकिन उसके साथ कई बेगुनाह जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है उसके साथ। उम्र कैद तो उन्हें होती है और मुजरिम बच जाता है। आमने सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लाइक ए बैड पेनी, यू हैव कम बैक अगेन। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जिस दिन मैंने तुम लोगों को गलती से रिहा किया था। 5 साल पुरानी वो गलती मुझे अच्छी तरह से याद है, सब कुछ याद है मुझे। तुमने एक ईमानदार इंस्पेक्टर अजय पांडे को कुत्ते की मौत मारा था और तुम लोगों के लालच में आकर मैंने सारे सबूत वहां से हटवा दिए जो गलती से आज तक मेरे पास है, और वो सबूत तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी होंगे। 5 साल तक तुम लोग मेरे साथ आग में चोली खेलते रहे और मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार करता रहा जिस दिन तुम खुद चलकर अपनी नई जिंदगी की भीख मांगने के लिए मेरे सामने आओगे और मैं जस्टिस चौधरी की अदालत में तुम पर सजाए मौत का मुकदमा चलाऊंगा। जीवन का कातिल कौन है? Once a criminal, always a criminal. तुम लोगों में से कोई भी मार सकता है। अगर जीवन का कातिल ढूंढना है तो तुम अपने गरेबान में झांक कर देखो। जुए पर हमला किसने किया? हो सकता है तुमने। जस्टिस चौधरी से गद्दारी, अब तुमको पता चलेगा कि जस्टिस चौधरी क्या चीज है। 5 साल से तुम लोग मेरे साथ आंख में चोली खेल रहे थे, अब तुमको जस्टिस चौधरी की अदालत से मिलेगी सजाए मौत। चौधरी, अब देर किस बात की है? शिकार को भागने देना अकलमंदी नहीं होगी, और वैसे भी इनके सर पर इनाम है। अगर तुमने इन्हें पकड़वा दिया तो तुमको सस्पेंड करने का इल्जाम भी तुल जाएगा और तुम्हें माल भी मिलेगा। बात अब समझ में आई कि हमें यहां किसने बुलाया है। तुमने अच्छा नहीं किया चौधरी, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। Thank you.
बंद करो। अच्छा 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 डेड। वो तो मैं भी देख सकता हूं, लेकिन वो यहां स्विमिंग पूल में क्या कर रहा है? उसे तो तैरना आता ही नहीं। देखो दिलीप यहां क्या कर रहा था मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं यहां एक मिनट रहने वाला नहीं हूं। अगले हफ्ते मेरी फिल्म का मुहूर्त भी है। Excuse me, what the hell is happening here? बलराज मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। अब मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि कौन है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। अब मुझे तुम पर पूरा शक हो गया है जस्टिस चौधरी, क्योंकि तुम दिलीप को उसके कमरे में छोड़ने गए थे। बकवास मत करो। अगर मुझे तुम लोगों को मारना होता तो मैं 5 साल तक इंतजार नहीं करता, पहले ही सजाए मौत दे देता। आपको कुछ देर के लिए डिस्टर्ब कर सकता हूं? बैठिए। कहिए। आज जो कुछ भी हुआ आप अच्छी तरह से जानती हैं। जूही जी, अब आपसे क्या छिपाना। दरअसल पहले मैं एक बहुत बड़ा मुजरिम था, बहुत गुनाह किए मैंने, कई लोगों को जान से भी मार डाला, लेकिन आज मैं अपनी आत्मा का बोझ हल्का करना चाहता हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इंस्पेक्टर अजय पांडे बहुत ही ईमानदार आदमी था, लेकिन उसकी हमसे दुश्मनी हो गई। यू नो, 10 जंगली कुत्ते एक शेर को घेर के मार डालते हैं, हमने बिल्कुल वैसा ही किया। उस इंस्पेक्टर को घेरा और जान से मार डाला। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तक तो यहां एक गड्ढा था,
इसकी लाश कैसे आई? यही सवाल अब मैं तुमसे पूछूंगा। राकेश की लाश यहाँ आई कैसे? बचपना मत करो, मुझे सोचने का मौका दो। नहीं, अब तो मैं सिर्फ पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। बलराज, कम यहाँ। पागल मत बनो। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो तुम्हारे साथ मैं भी फंस सकता हूँ। और ये मत भूलो कि तुम एक मुजरिम हो। पुलिस तो अब भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। हम एक काम करते हैं, इसकी लाश को हम यहीं कहीं दफना देते हैं। चौधरी ने आत्महत्या की या फिर उसे मार डाला गया? हाँ, ये सच है, बलराज के चौधरी मर चुका है। अब ये भी तो हो सकता है कि उसे तुमने मारा हो, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों बचते हैं, तुम और मैं। चुप, तड़प। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। तुम कोई जूही खुराना क्राइम राइटर नहीं हो, तुम जूही गुप्ता हो। गुप्ता अपना नाम बदलकर लोगों को उल्लू बना सकती हो, लेकिन बल्लू से न कहो। मैं उनमें से हूँ जो उड़ती चिड़िया के पर गिनना चाहता है। अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। क्या करूं? तुमने मुझे अपनी असली जात दिखाने पर मजबूर कर ही दिया। हो जाओ मरने के लिए तैयार। तुम्हारा है, मुझे जीवन की रूह से मिला था, तभी मुझे शक हो गया था कि तुम ही खूनी हो। नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें मरने से पहले मेरी असलियत का पता चल गया। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तो रिवॉल्वर चलाने से पहले इसमें जो गोलियां हैं ना, उन्हें चेक करना मत, जिन्हें मैं पहले से ही निकाल चुकी, वरना तुम भी चौधरी की तरह मारे जाते हैं। रात गए रस्सी के साथ क्या कर रही हैं? ओह, जस्टिस चौधरी, एक्चुअली मैं अपनी कहानी के क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी हूं। और मैं तो एक अलग किस्म की लेखक हूं। मैं ये सोच रही थी कि मेरी कहानी में जो मेन विलन्स हैं, उनमें से एक अपने आप को फांसी कैसे लगाएगा, उस वक्त उसके दिल में फीलिंग्स क्या होंगी। ओह, ये बात है। इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड जज हूँ और मैंने बहुत से मुजरमों को फांसी दी है। विल यू गिव मी अ हैंड? श्योर। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब कोई मुजरिम फांसी के फंदे तक पहुंचता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है। हाउ डू आई लुक? तो कहिए, कैसा लग रहा है ये मौत का खेल? What do you mean? जस्टिस चौधरी, ये अदालत सच्चाई की, और यहाँ पर मैं मुकदमा चलाती हूँ तुम पर, अजय पांडे के कातिलों को बरी करने के लिए।
क्योंकि अजय की होने वाली बीवी मैं थी, जिसकी मांग तुम लोगों ने सिंदूर की जगह उसके खून से भर दी। लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि खून और सिंदूर दोनों ही का रंग लाल होता है। गुड बाय जस्टिस चौधरी। ये असली जानना चाहते होगे कि तुम लोगों को जो खत लिखे गए वो किसने लिखे? वो खत तुम्हें मैंने लिखे थे। और तुम ये भी जानना चाहते हो कि मैं हूं कौन, तो मैं तुम्हें बताती हूं। मैं इंस्पेक्टर अजय पांडे की होने वाली बीवी थी, और जिस दिन तुम लोगों ने अजय की हत्या की उस दिन हम दोनों की सगाई होने वाली थी। खबर पक्की है? ओके, तुम लोग उन पर कड़ी नजर रखो, मैं अभी इसी वक्त वहां पहुंच रहा हूं। ओके, ओवर एंड आउट। अरे अजय, ये क्या है, तुमने अभी तक यही कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हारी इस वर्दी से मुझे तो कसम से नफरत ही हो गई। आज हमारी सगाई है और लगता है तुम भूल भी गए। देखो, ये वर्दी मेरी जिंदगी है, तुम इसका ख्याल रखो। Try and understand. People are waiting for you. Please. देखो, आज इन चार हार्डकोर क्रिमिनल्स का पता चला है। हेडक्वार्टर से फोन था, मुझे जाना होगा। तुम मेहमानों को देखो, मैं यूं गया और यूं आया, बस पलक झपकने की देर। आज उन्हें अरेस्ट कर मेरा ख्वाब पूरा हो सकेगा। ओके? तुम लोगों की तलाश की है और इत्तेफाक से मुझे चौधरी का पता मिल गया, मेरा काम और भी आसान हो गया। तुम पांचों की सजा मैंने सोच ली, मौत। देखो देखो, वी कैन सॉर्ट दिस आउट। ओके, वैसे भी मुझे मारकर तुम बच नहीं सकती। क्या मिलेगा तुम्हें मुझे मार? Satisfaction. अजय की मौत का बदला तो मैं तुमसे लूंगी। रुक जाओ, प्लीज।